नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आप सभी देखने वालों का, सभी सुनने वालों का, वीडियो और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर पे अजीत खान जी, शुभम पांडे जी, प्रांजल जी और हिंदी साहित्य जी, टारगेट फॉर JRF जी, सरोज रावत जी, सीमा यादव, पवनेश कुमार, दीनू जी, चारू यादव जी, उपदीप कौर जी, कंचन लता जी, आनंदिता जी, पूरन सिंह जी, पूरन सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके लाइनों के लिए, बहुत सुंदर लिखा है आपने, धन्यवाद। श्रीनाथ शर्मा जी, रमा शंकर जी, गोविंद कुमार जी, पूनम सिंह जी, उषा जी, सर्वेश जी, संदीप जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रमा आर्या जी, अवदीप कौर जी, नेहा जी, श्रीन जी, गुरप्रीत कौर जी, साहित्य सहचर जी, आप सभी इतने, प्रांजा जी, पुष्पा जी, संगीता जी, इंद्रदेव जी, मीनू कुमारी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और से बहुत से नाम है, कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग देते हैं कि पूरा, मतलब ये समझिए कि पूरा उत्साह आ जाता है अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि अभी कुछ व्यस्तताएं हैं जीवन में, कुछ टाइप अभी ऐसे हैं जिनमें समय मेरा ज्यादा लग रहा है प्रांजल जी, इसीलिए मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रही हूँ। कुछ समय बाद मैं पूरी तरह से आप लोगों के बीच में आऊंगी, लेकिन ये समय कितना है ये अभी मैं नहीं बता पा रही, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज काफी बातें हो गई। पुस्तकों और कवियों की आलोचना के अतिरिक्त पाश्चात्य काव्य मीमांसा को लेकर भी बहुत से लेख और पुस्तकें इस काल में लिखी, जैसे बाबू श्याम सुंदर दास कृत साहित्य आलोचन, श्री पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी कृत विश्व साहित्य। इसमें से पहली पुस्तक तो शिक्षोपयोगी है, दूसरी पुस्तक में यूरोपीय साहित्य के विकास तथा पाश्चात्य काव्य समीक्षकों के कुछ प्रचलित मतों का एक दर्शन। इधर दो एक लेखकों की एक और प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही, ये यूरोप के कुछ कला संबंधी एक देशीय और अत्युक्त मतों को सामने लाकर हिंदी वालों की आंखों में उसी प्रकार की चकाचौंध उत्पन्न करना चाहते हैं जिस प्रकार कुछ लोग वहां के फैशन की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा से हम लोगों की आदत रही है कि अच्छा या बुरा से मतलब नहीं, नया से मतलब है। कुछ भी नया देख के हम लोग उसकी तरफ बहुत जल्दी ही प्रवृत्त हो जाते हैं। एक बार ये हमारी आंखें एकदम चौंधिया जाती हैं, भले ही हमारे पास में सोना रखा हो, लेकिन दूसरे के पीतल की चमक हमें ज्यादा आकर्षित करती है। जर्मन, फ्रांस, इटली, रूस, स्वीडन इत्यादि अनेक देशों के नए पुराने कवियों, लेखकों और समीक्षकों के नाम गिना, वे एक प्रकार का आतंक उत्पन्न करना चाहते हैं। कला संबंधी दिलाईती पुस्तकों के बारे की बात लेकर और कहीं से मैटर लिंक करके, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको फिर से थोड़ा सा फॉन्ट संबंधी समस्या हो जाएगी, मैटर लिंक करके कहीं गेटे की कहीं टॉल्स्टॉय के उदाहरण देकर अपने लेखों की तड़प थड़प घर बनाते। लेखों को यहाँ से वहां तक पढ़ जाइए, लेखकों के अपने किसी विचार का पता नहीं लगे। और लेखक का क्या मतलब होता है, लेखक का मतलब है जहाँ उसकी मौलिकता हो, जहाँ उसके विचार हो, जहाँ उसके भाव स्पष्ट प्रकट, कुछ भी लिखा हो शैली पहचान में है। उद्धृत मतों की व्याप्ति कहाँ तक है, भारतीय सिद्धांतों के साथ उनका सामंजस्य है, कहाँ सामंजस्य है और कहाँ विरोध, इन सब बातों के विवेचन का सर्वथा अभाव पाया जाएगा। वहां से देखा कड़क भड़क क्या होता है, सामने वो हमारे यहाँ के लिए उपयोगी है, कहाँ तक उनके सिद्धांतों का हमारे साथ सामंजस्य बन रहा है, कहाँ वो हमारे यहाँ के विचारों मतों से विरोधी है, इस चीज का कोई मतलब नहीं है, लाके सामने रख। साहित्य विवेचन से संबंध रखने वाले जिन भावों और विचारों के द्योतन के लिए
हमारे यहाँ के साहित्य ग्रंथों में बराबर से शब्द प्रचलित चले आते हैं, उन्हें उनके स्थान पर भी हद्दे गढ़े हुए शब्द देखकर लेखकों की अनभिज्ञता की ओर बिना ध्यान के नहीं रहता, मतलब उसके लिए पहले से ही अपने यहाँ पर शब्द मौजूद है, अपने यहाँ वो विचार मौजूद है, लेकिन क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, लेखकों को जानकारी नहीं है, तो वो वही प्रश्नभूमि को हमारे सामने दोबारा लाकर नया पर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में हंसी ये आती है, सुखल जी कह रहे हैं कि ध्यान बार बार इस तरफ जाता है कि इस तरह के प्रचलित शब्दों से भी उनको प्रचलित शब्दों का भी उनको ज्ञान नहीं। समालोचना के क्षेत्र में ऐसे विचार सुनने लेखकों का कोई विशेष लाभ नहीं। पश्चिम में काव्य कला संबंधी प्रचलित वादों में अक्सर एकांत दृष्ट दौड़ ही विलक्षण दिखाई पड़ा करती है। वहां के कुछ लेखक काव्य की किसी एक पक्ष उसका पूर्ण स्वरूप मानकर कितनी दूर तक ले जाते हैं कि एक उसके कथन में अनूठी सूक्ष्म सा चमत्कार आ जाता है। काव्य पक्ष के किसी एक काव्य के किसी एक ही पक्ष को लेकर उसको पूरा काव्य मान लिया, उसको पूरा काव्य स्वरूप मान लेते हैं और उसी को इतनी दूर तक ले जाते हैं कि उनके कथन में अनूठी उक्ति सा चमत्कार आ जाता है। बहुत से और बहुत से लोग उसे सिद्धांत या विचार के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ हमारा काम काव्य के स्वरूप पर विचार करना है, प्रबंध लिखना नहीं, बल्कि प्रचलित प्रकृतियों और उनके उद्गमों के कारणों का दिग दर्शन करना है। यहाँ काव्य का कला के संबंध में उन प्रवादों का जिनका यूरोप में सबसे अधिक प्रचलन रहा है संबंध में उल्लेख कर तब मैं इस प्रसंग को समाप्त करूंगा। इसकी आवश्यकता यहाँ मैं केवल इसलिए समझता हूँ कि एक ओर यूरोप में तो व्यापक और सूक्ष्म दृष्टि संपन्न समीक्षकों द्वारा इन प्रवादों का निराकरण हो रहा है, मतलब वहां पे ये बात खड़े हो रहे हैं, और जो सूक्ष्म दृष्टि से संपन्न समीक्षक है वो इन प्रवादों का निराकरण कर रहे हैं, वही दूसरी ओर हमारे हिंदी साहित्य में इनकी भद्दी नकल सुनो, हमने पीतल को सोना मान के नाना शुरू कर दिया। यूरोप में जिस प्रवाद का इधर सबसे अधिक प्रसंग है वह काव्य का उद्देश्य काव्य ही है या कला का उद्देश्य कला ही है। आपने भी सुना होगा, याद किया होगा, कला के लिए कला। इस प्रवाद के कारण जीवन और जगत की बहुत सी बात जिनका किसी काव्य मूल्य निर्णय में बहुत दिनों तक योग चला आ रहा था यह कहकर टाली जाने लगी कि ये तो इतर वस्तु शुद्ध कला क्षेत्र के बाहर की व्यवस्थाएं। पाश्चात्य देशों के इस प्रवाद के लिए योजना करने वाले कई सामान खड़े हुए। कला के लिए कला मतलब यदि आप लिख रहे हैं, कला बना रहे हैं, कला है तो वो सिर्फ कला के लिए, उसका अन्य कोई उद्देश्य नहीं। जबकि हमारे यहाँ कला के अलग अलग द्वारा भी कई सारे उद्देश्य सामने रखते हैं, है ना? इससे क्या होता है कि ऐसी बहुत सी बातें जिनका किसी काव्य के मूल्य निर्णय बहुत योगदान रहता है, ऐसी बहुत सारी बातें ये कहकर टाल दी जाती है कि ये तो कला क्षेत्र के बाहर की चीज है। मान लीजिए कोई कविता है, उसका जो उद्देश्य है, मतलब ये समझिए उसमें बहुत अच्छे विचार जो आपको एक बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है, तो ये लोग ये चीज कह के टाल देंगे कि शिक्षा कला का काव्य का कविता का उद्देश्य ही नहीं है, वहां तो चमत्कार था, तो वो शिक्षा को अलग करके टाल, है ना? पाश्चात्य देशों में इस प्रवाद की योजना करने वाले कई सामान, कुछ तो इसमें जर्मन सौंदर्य शास्त्रियों की यह उद्भावना सहायक थी कि सौंदर्य संबंधी अनुभव यानी एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस एक पूर्ण प्रकार का अनुभव जिसका और प्रकार के अनुभवों से कोई संबंध नहीं। अब सौंदर्य संबंधी अनुभव हमारे यहाँ अगर भारतीय विचारों में बात की जाए तो हमें तो सौंदर्य हर चीज में भाव अच्छा होगा, शिक्षाप्रद होगा, उसमें भी एक सुखद अनुभूति हमें प्राप्त होती है, लेकिन
जर्मन सौंदर्य शास्त्रियों की ये उद्भावना एक कला के लिए कला वाले सिद्धांत में और ये सहायक हुई, क्योंकि उनका क्या कहना था कि जो सौंदर्य संबंधी अनुभव है उनमें किसी और प्रकार के उनसे किसी और प्रकार के अनुभव का कोई संबंध ही नहीं। इससे बहुतेरे साहित्य शास्त्री ये समझने लगे कि कला का मूल्य निर्धारण भी उसके मूल्य को और सब मूल्यों से एकदम विच्छिन्न करके ही होना चाहिए। ईसा की 19वीं शताब्दी के मध्य में विस्लर, देखिए यहाँ पे फिर इसका प्रॉब्लम है, ने यह एक मत प्रवर्तित किया जिसका चलन अब तक किसी न किसी रूप में रहा। अंग्रेजी में इस मत के सबसे प्रभावशाली व्याख्याताओं में ब्रैडले, ठीक है याद रखिएगा, चला जा सकता है। उन्होंने इस संबंध में कहा है, देखते हैं क्या कहा है ब्रैडले जी ने, ये कला मतलब ये कला सौंदर्य संबंध ये अनुभव अपना लक्ष्य आप ही है, मतलब कला सौंदर्य का अनुभव अपने में खुद का लक्ष्य है, इसका अपना निराला मूल्य है, इसके विशुद्ध क्षेत्र के बाहर भी इसका और प्रकार का मूल्य हो सकता है, लेकिन विशुद्ध क्षेत्र के बाहर कह रहे किसी कविता से यदि धर्म और शिष्टाचार का भी साधन होता हो, कुछ शिक्षा भी मिलती हो, प्रबल मनोविकारों का निरोध भी संभव, लोकोपयोगी विधानों में कुछ सहायता भी पहुंचती हो, अथवा कभी को खेती अथवा अर्थलाभ भी होता तो अच्छी बात, लेकिन क्या कह रहे हैं यह अनुभव आपका अपना लक्ष्य आप ही है, ये सब हो रहा है तो एक अलग बात, इसके कारण भी उसकी कदर हो सकती है, पर इन बाहरी बातों का मूल्य के हिसाब से उस कविता की उत्तमता की असली जांच नहीं हो सकती। साहब ये कह रहे हैं कि कविता में सिर्फ उसका जो अनुभव है कैसा अनुभव, कला सौंदर्य संबंधी अनुभव, कला सौंदर्य संबंधी अनुभव, वो कितना अच्छा है, वो कितना परिपक्व है, वही उसका मेन उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य वही है, उसके अलावा अगर प्रबल मनोविकारों का विरोध भी हो रहा हो, लोकोपयोगी विधान भी उससे हो, शिक्षा भी मिल रही हो, कुछ भी हो, तो वो अलग बात है, लेकिन वो कविता का मूल्य नहीं बढ़ाएंगे, ये कहते हैं ब्रैडले। उसकी उत्तमता को एक शक्तिदायक कल्पनात्मक अनुभव विशेष से संबंध है। उस ब्रैडले जी कह रहे हैं कि उस कविता की उत्तमता कैसी, एक शक्तिदायक कल्पनात्मक अनुभव से विशेष संबंध रखती, अतः उसकी परीक्षा भीतर से ही हो सकती है। अनुभव तो भीतर की ही चीज है ना। किसी कविता को लिखते या जांचते समय यदि बाहरी मूल्यों की ओर भी ध्यान रहेगा तो बहुत करके उसका मूल्य घट जाएगा या छिप जाएगा। रेडले साहब का मानना है कला के लिए कला इस सिद्धांत का जिसने भी समर्थन किया वो इन्हीं यही विचार रखता है। आप कला के लिए कला को भी यहाँ से समझ सकते हैं। बात यह है कि कविता को यदि हम उसके विशुद्ध क्षेत्र से बाहर लाएंगे तो उसका स्वरूप बहुत कुछ विकृत हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति या सत्ता ना तो प्रत्यक्ष जगत का कोई अंग है ना अनुभव, उसकी तो एक दुनिया ही निराली है, एकांत स्वतःपूर्ण और स्वतंत्र। और जबकि भारतीय मनीषियों का कला के संबंध में क्या विचार है, कविता के लिए क्या उद्देश्य उन्होंने कला के लिए निर्धारित किया, आप सब जानते हैं। काव्य और कला के संबंध में अब तक प्रचलित इस प्रकार के नाना अर्थवादों का पूरा निराकरण रिचर्ड्स ने अपनी पुस्तक साहित्य समीक्षा सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेचरी क्रिटिसिज्म में बड़ी सूक्ष्म और गंभीर मनोवैज्ञानिक पद्धति कर दिया है। उपर्युक्त कथन में चारों मुख्य बातों अलग अलग परीक्षा कर उन्होंने उसकी अपूर्णता अयुक्तता और अर्थहीनता प्रतिपादित। रिचर्ड ध्यान रखिएगा यहाँ उनके दिग्दर्शन का स्थान नहीं, प्रचलित सिद्धांत का जो प्रधान पक्ष है,
कविता की दुनिया ही निराली है, उसकी प्रकृति या सत्ता न प्रत्यक्ष जगत का अंग है न अनुप्रति। इस पर जो रिचर्ड्स का वक्तव्य का सारांश है वो नीचे दिया जाता है, चलिए देखते हैं क्या है। यह सिद्धि कविता को जीवन से अलग समझने का आग्रह है ना। उन्होंने कहा कविता की तो अपनी दुनिया ही निराली है, तो रिचर्ड्स कह रहे हैं कि इसका मतलब जो ये सिद्धांत है ये कविता को जीवन से अलग करने का आग्रह करता है। पर स्वयं डॉक्टर ब्रैडले इतना मानते हैं कि जीवन के साथ उसका अलगाव, जीवन के साथ उसका लगाव भीतर भीतर अवश्य है। कला का जीवन से लगाव अवश्य होता है, ये स्वयं ब्रैडले भी मानते हैं। हमारा कहना है कि यही भीतरी लगाव असल चीज, जो कुछ काव्यानुभव यानी पोएटिक एक्सपीरियंस होता है वो जीवन से होकर आता है। और ये बात हम और आप बहुत अच्छे से समझते हैं, जब भी परिस्थिति साम्यता होती है तो उस कविता या उस विशेष कला के लिए हम ज्यादा, हमारे जो मनोवेग है ज्यादा प्रबल होते हैं। इसका यही मतलब है कि कुछ काव्यानुभव होते हैं वह जीवन, जो काव्यानुभव होता है वो जीवन से ही होकर आता है। काव्य जगत किसी जगत से भिन्न कोई सत्ता नहीं है और उसके कोई अलौकिक या विशेष, उसकी योजना बिल्कुल वैसे ही अनुभवों से हुआ करती है जैसे और समर्थक है। प्रत्येक काव्य की एक परिमित अनुभव खंड मात्र है जो विरोधी उपादान के संसर्ग से कभी झटपट और कभी देर में छिन्न भिन्न हो जाता है। साधारण अनुभवों से उसमें यही विशेषता होती है कि उसकी योजना बहुत गूढ़ और नाजुक होती है। यदि हम साधारण अनुभवों की बात करें तो साधारण अनुभवों से कला में सिर्फ इतना विशेषता अलग होती है कि जो कला की योजना होती है वो गूढ़ और नाजुक होती है। जरा सी खेत से वह चुटकी हो जाए, उसकी एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि वह एक हृदय से दूसरे हृदय तक में पहुंचाई जा सकती है। उसकी एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि वह एक हृदय से दूसरे हृदय में पहुंचाया जा सकता है। बहुत से हृदय उसका अनुभव बहुत थोड़े ही फेरफार के साथ कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए थोड़े से फेरफार का मतलब कोई देशभक्ति की कविता है, कुछ लोग अपने मनोभावों के हिसाब थोड़े बहुत हेर फेर के साथ उसमें उसी तरह का फीलिंग करेंगे, उसी तरह का अनुभव करेंगे, है ना। कोई मतलब थोड़े से हेर फेर के साथ बहुत सारे लोग उसका एक साथ अनुभव कर सकते हैं। कार्य काव्य अनुभव से मिलते जुलते और भी अनुभव होते हैं, पर इस अनुभव की सबसे बड़ी विशेषता ये है, यही सर्वग्राहकता यानी कम्युनिकेबिलिटी। इसलिए इसकी प्रतीति काल से व्यक्तिगत विशेष बातों की छूट से बचाए रखना पड़ता है। काव्य अनुभव से मिलते जुलते और भी अनुभव है, मतलब अनुभव काव्य अनुभव के अलावा और भी है, लेकिन अलग क्या है, जो काव्य अनुभव होता है उसमें सर्वग्राहकता, उसको बहुत सारे लोग एक ही भाव के साथ ग्रहण कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फेर हो सकता है। उसके अलावा क्या है ये, इसीलिए इसको अपनी व्यक्तिगत विशेष बातों से बचाए रखना चाहिए, मतलब उसमें अपनी व्यक्तिगत बातें उसमें नहीं प्रकट होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वो सर्वग्राहकता की चीज है। ये सबके लिए ये है, सबके अनुभव के लिए होता है, किसी एक के लिए। इसलिए किसी काव्य को लिखने या पढ़ते समय हमें अपने अनुभव के भीतर उस काव्य और उस काव्य से इतर वस्तुओं के बीच अलगाव करना पड़ता है। पर यह अलगाव तो सर्वथा भिन्न या असमान वस्तुओं के बीच नहीं होता, बल्कि एक ही कोटि की प्रतियों की भिन्न भिन्न विधानों के बीच होता है। यह तो ही रिचर्ड्स की मीमांसा। ये किसकी मीमांसा हुई, रिचर्ड्स, आपने समझी।
हमारे यहाँ के संपूर्ण काव्य क्षेत्र की अंतःकृति की छानबीन की कर जाइए। उसके भीतर जीवन के अनेक पक्षों और जगत के नाना रूपों के साथ मनुष्य हृदय का पूर्ण सामंजस्य मिलेगा। साहित्य साथियों को मत लीजिए तो जैसे संपूर्ण जीवन अर्थ धर्म काम मोक्ष का साधन रूप है, वैसे ही उसका एक अंग काव्य भी अर्थ का स्थूल और संकुचित अर्थ द्रव्य प्राप्ति से नहीं लेना चाहिए। उसका व्यापक अर्थ लोक की सुख संपत्ति सांसारिक सुख संपत्ति सिर्फ द्रव्य प्राप्ति ही अर्थ का अर्थ नहीं है। अर्थ का अर्थ सिर्फ द्रव्य प्राप्ति नहीं, लोक की सुख संपत्ति जीवन के और साधनों की अपेक्षा काव्य अनुभव में विशेषता ये होती है कि वह एक रमणीयता के रूप में होता है जिसमें व्यक्तित्व का लय हो जाता है, अपने व्यक्तित्व का लय हो जाता है। टीचर्स ने भी कहा है इसमें सर्व का होता है। बाह्य जीवन और अंतर जीवन की कितनी उच्च भूमियों पर इस रमणीयता का उद्घाटन हुआ है। किसी काव्य की उच्चता और उत्तमता का निर्णय में इसका विचार अवश्य होता आया है और होगा। हमारे यहाँ के लक्षण ग्रंथों में रसानुभव का जो लोकोत्तर और ब्रह्मानंद सहोदर आदि कहा गया है वे अर्थवाद के रूप में सिद्धांत के रूप में नहीं। उसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि रस में व्यक्तित्व का लय हो जाता है। यूरोप में समालोचना शास्त्र का क्रमागत विकास फ्रांस में ही हुआ। फ्रांस का प्रभाव यूरोपीय देशों में बहुत कुछ रहा। विवरणात्मक समालोचना के अंतर्गत ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक आलोचना का उल्लेख हो चुका है। पीछे प्रभाववादियों का जो दल खड़ा हुआ वह कहने लगा कि हमें किसी कवि के प्रकृति स्वभाव सामाजिक पद्धति आदि से क्या प्रयोजन, हमें तो केवल किसी काव्य को पढ़ने से जो अर्थपूर्ण प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है उसी को प्रकट करना चाहिए और उसी को समालोचना समझना चाहिए। प्रभाववादियों का पक्ष यह है हमारे चित्त किसी काव्य का से जो आनंद उत्पन्न होता है वही आलोचना है। हमारे चित्त पर किसी काव्य से जो आनंद उत्पन्न होता है वही आलोचना है, ये मानना है प्रभाववादियों का। इससे अधिक आलोचना और क्या चाहिए? जो प्रभाव हमारे चित्त पर पड़े यदि उसी का वर्णन हमने कर दिया समालोचना हो गई। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस मत के अनुसार समालोचना एक व्यक्तिगत वस्तु है। आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा आपने वो कहा तो ये व्यक्तिगत रूप है ना उसका। तो इस अगर प्रभाववादिता की प्रभाववादियों के हिसाब से देखा जाए तो समालोचना क्या हो गई? व्यक्तिगत वस्तु हो गई। उसके औचित्य अनौचित्य पर किसी को कुछ विचार करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तो व्यक्तिगत है, जिस पर जैसा प्रभाव पड़े वह वैसा कहे। उक्त प्रभाववादियों से की एक बात लें तो समालोचना कोई व्यवस्थित शास्त्र नहीं रह गया, वह एक कला की कृति से दूसरी कला की कृति एक काव्य से निकला हुआ दूसरा काव्य ही होगा। ये लाइन अच्छे से याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि यदि प्रभाववादियों की बात मानी जाए तो समालोचना कोई व्यवस्थित अलग शास्त्र नहीं है, वह एक कला की कृति से निकली हुई दूसरी कला की कृति या एक काव्य से निकला हुआ दूसरा काव्य भी हुआ। काव्य की स्वरूप मीमांसा के संबंध में यूरोप में इधर सबसे अधिक जोर रहा है। अभिव्यंजनावाद का जिसके प्रवर्तक है इटली के क्रोचे, जिसमें अभिव्यंजना अर्थात किसी भी बात को कहने का ढंग ही सब कुछ। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद क्या कहता है कि किसी भी बात को कहने का जो ढंग है तरीका है वही सब कुछ, बात चाहे जो या जैसी अथवा कुछ ठीक ठिकाने की ना भी हो
ढंग अच्छा होना चाहिए। काव्य में जिस वस्तु या भाव का वर्णन होता है वह इस बात के अनुसार उत्पाद को उपादान मान। समीक्षा में उसका कोई विचार अपेक्षित नहीं। काव्य की मुख्य वस्तु है वह आकार या सांचा जिसमें वह वस्तु या भाव माला जाता है। ठीक है, अभी व्यंजनावाद है। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा लेकिन समझिएगा ये आपको बहुत दूर तक काम आने वाला है। प्रभाववादियों का क्या मत है, ब्रैडले ने क्या कहा, रिचर्ड्स ने उसकी व्याख्या कैसे की, ये आपको जो फूट वाले प्रश्न आते हैं और उस तरह के जो डिस्क्रिप्टिव टाइप नहीं होते जिसमें आपको बहुत सारा समझना पड़ता है उसमें काम आए। ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ आया होगा तो ये वीडियो आप दो बार सुनिएगा आपको समझ आएगा, क्योंकि ऐसे ही आप पढ़ लिख बिल्कुल ऊपर से निकल जाए। ठीक है, अभी व्यंजनावाद का क्या मतलब है, बात को कहा जाने का ढंग। काव्य में मुख्य जैसे कुंडल की सुंदरता की चर्चा उसके आकार या रूप को लेकर होती है, सोने को लेकर, मतलब एक कान का सुंदर कुंडल है तो वह कितना सुंदर है, वो सोने का है ये नहीं, उसकी डिजाइन क्या है ये देखा जाता है। उसी तरह से क्रोचे जी क्या कह रहे हैं, उनका अभिव्यंजनावाद क्या कह रहा है कि बात को कहने का ढंग कैसा, स्वरूप कैसा है उसका, भले वो बात सोने की है अथवा लोहे, समझ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, बात क्या है, ठिकाने की है, नहीं भी है तो चलेगा, ढंग अच्छा होना चाहिए। सोने को लेकर भी वैसे ही काव्य के संबंध में भी समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अभिव्यंजना के ढंग का अनोखापन ही सब कुछ है, यानी किस तरह से आप बात को कहते हैं तो कितने अनोखे ढंग से कह रहे हैं यही सब कुछ। किसी वस्तु या भाव की अभिव्यंजना की जाती है वे क्या है कैसा है यह कब काव्य क्षेत्र के बाहर, यह सब काव्य के क्षेत्र के बाहर की बात। रोचे का कहना है कि अनूठी उक्ति की अपनी अलग सत्ता होती है, उसे किसी दूसरे कथन का पर्याय ना समझना चाहिए। जैसे यदि किसी कवि ने कहा कि सोई हुई आशा आंख मलने लगी, सोई हुई आशा आंख मलने लगी, तो ये ना समझना चाहिए कि उसने उस उक्ति से उस उक्ति के स्थान पर कही है कि फिर कुछ आशा होने लगी, वह एक निरपेक्ष उक्ति है। कवि को वही कहना था। वाल्मीकि ने जो कहा है कि न सच संकुचिता पंथा एन बाली हतो होता, वह उसके स्थान पर नहीं कि तुम भी बाली के समान मारे जा सकते। इस बाद में तथ्य इतना ही है कि उक्ति ही कविता है। वो क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का तथ्य सिर्फ इतना है कि उक्ति ही कविता है, उसके भीतर जो अर्थ रहता छिपा रहता है वह स्वतः कविता नहीं। पर यह बात इतनी दूर तक नहीं घसीटी जा सकती कि उस उक्ति की मार्मिकता का अनुभव उसकी तह में छिपी हुई वस्तु या भाव के बिना दृष्टि रखते ही हो रहा है। बात यह है कि अभिव्यंजनावाद की कलावाद की तरह काव्य के लक्ष्य बेल बूटे और नक्काशी वाला सौंदर्य मानकर चला है, जिसकी मार्मिकता या अनुभव से कोई जिसका मार्मिकता या अनुभव से कोई संबंध नहीं। और कलाओं को छोड़कर यदि हम काव्य को ही ले लें तो इस अभिव्यंजनावाद को वाक्य वैचित्र्यवाद भी कह सकते हैं और इसे अपने यहाँ के पुराने वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान मान सकते हैं, है ना। वक्रोक्तिवाद का बहुत इम्पोर्टेंट ये पंक्तियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बहुत ज्यादा पूछी जाती है ये। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को क्या कहा गया, रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये अभिव्यंजनावाद जो है वाक्य वैचित्र्यवाद भी कहा जा सकता है इसको, और ये क्या है, ये अपने यहाँ के वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान, अपने यहाँ वक्रोक्तिवाद जो था उसी का विलायती उत्थान हम इसे मान सकते हैं।
इन दोनों वादों की दृष्टि से ये कहा जाने लगा कि समालोचना के क्षेत्र से अब लक्षण, नियम, रीति, काव्य भेद, गुणदोष, छंद व्यवस्था आदि का विचार उठ गया। पर इस कथन की व्याप्ति कहाँ तक है ये कहा विचारणीय है। साहित्य के ग्रंथों में जो लक्षण, नियम आदि दिए गए थे वे विचार की व्यवस्था के लिए, काव्य संबंधी चर्चा के सुविधे यानी आराम के लिए, पर इन लक्षणों और नियमों का उपयोग गहरे और कठोर बंधन की तरह होने लगा। अब आप समझे, शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो ये नियम बनाए गए कि छंद व्यवस्था, गुण दोष, काव्य भेद, रीति, ये सारे नियम क्यों बनाए गए? ये सारी नियम इसलिए बनाए गए थे कि काव्य पर विचार करने में, काव्य संबंधी चर्चा करने में, उसके बारे में जो भी चर्चा की जा सके उसके आराम के लिए किए गए थे ये। लेकिन क्या हुआ बाद में, उन नियमों को कठोर बना दिया गया। जिस तरह से हमारे यहाँ पर जो आपकी जाति व्यवस्था थी कर्मों पर आधारित थी, जो जो कर्म करता था उसको उसी तरह से दे दिया जाता था, लेकिन बाद के लोगों ने अपने सुविधा के लिए उसको कठोर नियम बना दिए जो समाज में कहीं ना कहीं बहुत गलत है ना। उसी तरह से जो ये लक्षण थे, नियम थे, ये किस लिए थे? आराम के लिए। जब किसी चीज का सृजन होता है वो ना कहीं ना कहीं किसी आराम के लिए होता है, लेकिन बाद में यदि उनको कठोर नियमों के रूप में सामने रख दिया जाता है तो वो अच्छी चीजें भी समस्या उत्पन्न करने लगती है। जब कोई बात हद से बाहर जाने लगती है तब प्रतिवर्तन यानी रिएक्शन का समय आता है। यूरोप में अनेक प्रकार के वादों की उत्पत्ति प्रतिवर्तन के रूप में ही हुआ करती है। एक वाद बढ़ा, एक ने अपनी बात की और अति की। जब अति हुई तो उसके खिलाफ क्या हुआ? रिएक्शन हुआ, प्रतिवर्तन हुआ और दूसरा वाद खड़ा हुआ। यूरोप में ज्यादातर वाद इसी तरह से आए। अतः हमें सामंजस्य बुद्धि से काम लेकर अपना स्वतंत्र मार्ग निकालना चाहिए, जो हम आज तक नहीं कर पाए। आज भी जिस तरफ साहित्य जा रहा है और आप देख रहे हैं, कोई स्वतंत्र बात नहीं, कुछ ऐसा नहीं है जहां सामंजस्यता की बात की जाती है। सब अपने अपने हिसाब से, मतलब ये कहिए कि साहित्य को एक तरह से घसीटा जा, सब अपने अपने विचार रख रहे हैं, सब अपने कहीं पर अलग अलग बातों का एक समन्वित, एक सामंजस्य पूर्ण कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। शुक्ल जी कह रहे हैं हमें सामंजस्य बुद्धि से काम लेना चाहिए, एक स्वतंत्र मार्ग निकालना चाहिए। दोस्तों अब वीडियो 33 मिनट का हो चुका है, तो आगे की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। कैसा लगा? मुझे लग रहा है कि जो इधर के वीडियो है आप कहीं ना कहीं आपको बड़ा बोरियत महसूस हो रही होगी, जो को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स देते रहिएगा, साथ बनाए रखिएगा, हौसला बनाए रखिएगा। सच में आपके कमेंट्स, आपकी लाइक्स, आपकी बातें बहुत ऊर्जा प्रदान करते हैं। मैं भले ही उनका जवाब नहीं दे पा रही हूँ, मैं कोशिश करूंगी सबका जवाब देने का। थोड़ा धैर्य बनाइएगा, साथ बनाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत।